अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी। जनाब वेलकम आज के ब्लॉग में, और आज है आठवां रोज़ा। आपकी बाजी से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, लेकिन ब्लॉग नहीं है मैंने छोड़ना, ब्लॉग मैंने लाजमी बनाया है जी। जनाब तो अभी हो चुके हैं 3:35 और मैं अभी सो के अपने उठी हूँ, तो बस मुझे अभी सहरी देनी है आयशा को, अली को, और जब से फातिमा पी गई है ना तब से मेरे में ये स्यापा डला, स्यापा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नहीं है लापाक मुँह से निकल गया तब से मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैंने इनको सहरी देनी है। तो बस जी खुद भी गर्म पानी पीते हैं और साथ इनको भी सहरी देते हैं, ठीक हो गया। आपकी बहन डेढ़ घंटा आँख लगा के उठी है और फिर उसकी आँखें बंद हो रही हैं। खैर जी पानी मैंने गर्म कर लिया, ठीक है, पानी पीते हैं, तब तक सालन हो रहा है गर्म, ठीक है, और फिर उसके बाद आयशा को उसकी सहरी देंगे, और अली पता नहीं आज किधर है, तो कोई नहीं पानी पी लूँ पहले मैं, फिर आज मेरा सहरी करने का दिल नहीं तो मैं सोच रही हूँ हल्का फुल्का सा दही खा लूँ। जी जनाब तो सालन हो चुके हैं हमारा गर्म, अब मैं करने लगी हूँ, अब मैं तलने लगी हूँ नान, ठीक है जी। जी आपकी बहन के साथ हो चुका है अच्छा खासा प्रैंक मैंने नान तलने थे और मज़ेदार से कौरवे के साथ खा रहे थे, लेकिन अब पता चला नान ही नहीं है तो अभी मैं किसी भाई को उठाती हूँ और उसको कहती हूँ जाके नान ले गया है, और सालन गर्म हो गया है, अब आयशा और अली खुद ही डाल के खा लेंगे, मेरे पे भी रहेगा ना तो वैसे ही सहरी करेगा आप बिलीव करें जब से फातिमा आप पी गई हैं ये जिम्मेदारी मेरे पे थी, और मैंने एक दफ़ा भी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आज पहला दिन है मैं उठी हूँ, वो मेरे ख्याल से चौथे या पांचवे रोज़े की चलेगी हुई हैं, और आज आठवां रोज़ा, और आज मैं पहली दफ़ा उठी हूँ इनको सहरी देने के लिए, बट कोई बात नहीं अभी बस इनको मैं कहती हूँ जाके नान ले के आए और ये लोग अपना अपनी सहरी करें, मैं दही खाती हूँ और फिर मैं आपके साथ अपना सारा स्केड्यूल आज का शेयर करती हूँ, ठीक हो गया। चलें जी जब तक वो नान ले के आता है मैं तब तक मुँह धो लूँ, वज़ू कर लूँ, और वज़ू करके मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज़ के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना है, और कुरान पाक पढ़ने के बाद फजर की नमाज़, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरते पढ़नी, ठीक है जी। तो ये फ़िलहाल अभी तक का स्केड्यूल है, इसके मुताबिक मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं आपको एक और मज़ेदार से प्रैंक की बात बताऊँ रात को ना घर में दही भले भले थे और सारा दही उसमें डल गया, और मैं अम्मी को बताना भूल गई, अब घर में दही भी नहीं चले कोई नहीं कुछ करते हैं। ये ले माता मैं आपकी सहरी आई है बिना रोटी के आप खुद तो लैपटॉप इस्तेमाल करिए, बंदा उठ के अपने लिए सहरी बना लेता अगर दूसरों को बात सुना। आपको रोटी बनानी है? नहीं मुझे रोटी बनानी है, सीख लो पहले, आप क्यों सीखूं मैं? जुगाड़ अपन के पास ये है कि भाई मेरा भाई जा तो रहा नहीं, अब जाहिर सी बात है वो लड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, तो मैं सिंपल खाऊंगी खजूर, ठीक है, और रख लूंगी रोज़ा, ठीक है जी, खजूर खाते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। साथ मैंने अपने लिए बना लिए एक कप ग्रीन टी का, ठीक है, थोड़ा इसको करते हैं काम डाउन, ठंडा ठंडा, तब तक मैं जल्दी से वज़ू करके आती हूँ, ठीक है जी। 4:20 होने वाले और मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हुई, ठंडा पुट मैं आ रही हूँ। जी जनाब तो तहज्जुद की नमाज मैंने पढ़ ली है, ठीक है, अब पढ़ते हैं कुरान पाक। चलो जी,
अल्हम्दुलिल्लाह 12वां पारा हो गया हमारा मुकम्मल। ठीक है जी, अब हम पढ़ने लगे हैं नमाज, नमाज फजर। ये मेरी मामा की जानमाज़ है, आज इस पे जानमाज़ पढ़ते हैं, इस जानमाज़ पे नमाज़ पढ़ते हैं। ये मामा की जानमाज़ है, ये ऐशा की जानमाज़ है, वो मेरी जानमाज़ है। ठीक है जी, तो आज अम्मी की जानमाज़ पे नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फजर की नमाज़ हो गया डन। ठीक है जी, अब हम आपकी बाजी की कमर में भी से ऐसे दर्द है जैसे ना जाने कितनी बुढ़ी लड़की होती है। ओ दो फिट है मुँह। अच्छा भी यार, वाकई कमर के पटाखे निकल रहे हैं मेरे। पटाखे निकलते निकलते रह जाते, पूरे निकलते भी नहीं हैं। चलें जी, अब पढ़ते हैं कुरान पाक। लेकिन कुरान पाक से पहले मैंने पढ़नी है सूरत यासीन, सूरत मुजम्मिल और सूरत फतह। ठीक है जी, चले जी। जनाब तो सारी सूरतें होगी हमारी डन। ठीक है, अब मुझे करनी है 15 मिनट की वॉक। बस दुआ करेंगे अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे दे, मेरी आंखें वाकई ही नींद से बंद हो रही हैं और मेरे से ज़ुकाम की वजह से ना चिल्ला वगैरह कुछ भी नहीं जा रहा, नाक कान सब कुछ बंद है और मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या बोली जा रही हूँ। तो जी तकरीबन सुबह भी हो गई है, तस्बीह करते हैं और थोड़ी सी वॉक करते हैं 15 मिनट की और फिर हम लोग सो जाएंगे। ठीक है, आपको आपकी बहन हो चुकी है नाकाम वॉक करने में, भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। चले जी, मैं लगी थोड़ी देर सोने और अब इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़ सुबह तक के लिए। आपकी बहन के साथ सीन ये हुआ है कि आपकी बहन ने 11 बजे उठना था और घर के बहुत ज़्यादा काम करने थे, लेकिन आपकी बाजी होगी लेट। अब बज रहे 2:10 और मैं आ चुकी हूँ अपनी अकेडमी में। ठीक है, जानमाज लेके आती हूँ, मुझे पढ़नी है जोहर की नमाज। ठीक है, जोहर की नमाज पढ़नी है। अम्मी को पता मैं बहुत डीट हूँ, उन्होंने मुझे कुछ कहना ही छोड़ दिया। अब जी फाइनली 6 बज चुके हैं, मैं अब घर जा रही हूँ, 5 से 10 मिनट का रास्ता। हमारे बनाई है फ्रूट चाट और मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली आ चुकी हूँ। बस अब मैं सारी चीज़ें लगाती हूँ और अफ्तारी करती हूँ, अफ्तारी के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है जी, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, साथ हो रही है बारिश हल्की हल्की, बस अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अफ्तारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफ्तारी हमारी हो गई है डन और सब कुछ हमने कर लिया। लगी मैं चॉकलेट, पापा चॉकलेट खाओगे? खा ले। मम्मा चॉकलेट खा लो, मेरी तरफ से आपके लिए जा रहे मामा। काले अम्मी मुँह तो दगड़ ले, हाँ कोई लिफ्ट ही नहीं। ये ले ले ले, इन्नी जलालत आज तक मेरी किसी ने नहीं कितनी जितनी मेरी माँ ने कर छोड़ी है। पहले अब जो मैंने काम करना है ना वो ये है कि मुझे अपनी वार्डरोब करनी है अच्छी तरह। ठीक है, गर्मियों के मैंने निकाले हैं सारे कपड़े और नहीं सॉरी सर्दियों के मैंने निकालने हैं अलमारी से सारे कपड़े और उनको मैंने रखना और फिर मैंने निकालने अपने सारे गर्मियों के कपड़े। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की गर्मी लग रही है। अभी से करती हूँ तो मैं जल्दी से अपनी वार्डरोब सारी ठीक करती हूँ, फैंसी कपड़े भी सेपरेट करती हूँ क्योंकि अब तो शादी आनी नहीं है। फैंसी कपड़े सेपरेट हो जाएंगे, लॉन के कपड़े सेपरेट हो जाएंगे। फिलहाल जो इस साइड के कपड़े हैं ना वो तकरीबन मेरे लॉन के ही लटके हुए हैं, 3-4 सूट जो मैंने लास्ट गर्मियों में सिलवाए थे और अभी तक नहीं पहने। तो कल जुम्मे, कल सबसे पहले एक सूट इनमें से पहनूंगी, फिर आगे 3-4 इवेंट्स आ रहे हैं उनमें पहनूंगी और चारों के चार सूट फट से पहने जाएंगे। ठीक है जी, बड़े वजनी कपड़े हैं भाई, बस मैंने सारे कपड़े इस दफ़ा दे देने हैं इंशाल्लाह। छोटी बहन तो मेरी वैसे ही मांगती रहती है। आप जो मर्जी कर ले, उसने उसको मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है। आए तो चल भाई, खस गया, मैंने दर्जी पे भी जाना है,
कोट शॉर्ट मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना और फिर भी यहाँ ही लटके हुए हैं। अच्छा जी, हैंगर के लिए साइड मेरी कम्प्लीटली हो गई है खाली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस साइड पे सारे लगा दूँगी फैंसी वाले और इस साइड पे सारे लगा दूँगी लॉन के कपड़े जो मेरे नए हैं, ठीक है। तो मैंने सारे कपड़े निकाल लिए, ठीक है। इनको फैंसी को लैदा करती हूँ, लॉन के लैदा करती हूँ, डेली बेसिस पे पहनने वाले लैदा करती हूँ और फिर मैं उसको हैंगर में लटका दूँगी। हाय बड़े वजनी है। फैंसी कपड़े हमने लटका लिए, गले को ना एकदम से दौरा पड़ता है, बंद ही हो जाता है, ठीक है। ये सारी साइड्स हमारे फैंसी कपड़ों के आए, चलो ली जो सारी साइड्स है ना, ये सारे हमारे फैंसी कपड़ों के हैं या रेशमी कपड़े, ये वो सारे, ठीक है जी। अभी कुछ रहते हैं, मैं वो भी ले आऊँ लटका लूँ। ये एक सूट है जी जो मोटा है, इसको रखेंगे हम साइड पे, ठीक है। एक ये सूट गिर गया गलती से, एक ये और इसके साथ है जी ये वाला एक सूट जो थोड़ा फैंसी फैंसी है, ठीक है। बस जी ये हो गया, ये लग गया, ठीक है जी। ये हमारे फैंसी कपड़े थे जो हमने लटका दिए, थोड़े से हैं, छोटे से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती। हमारे 4 से 5 सूट हैं गर्मियों के अभी तक के लिए, बाकी सारे तो नीचे है ना, ठीक है। ये वो वाले हैं जो मैंने लास्ट गर्मियों में सिलवाए थे और मैंने अभी तक पहने नहीं है, तो बस अब इन्हीं की तरफ हूँ मैं, ठीक है जी। कमीज़ें निकली हैं आयशा की, ठीक है, इसको भी लटका लेते हैं, ठीक है। इस तरह की कमीज़ पता नहीं कहाँ चली गई है, खैर कोई बात नहीं। ये हैंगर है दुपट्टों का जो मेरे थोड़े से फैंसी दुपट्टे हैं, और ये मेरे लॉन के हो गए हैं, ये हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब जो ये नीचे 2 सेक्शंस है ना, इनसे मैंने कपड़े निकालने हैं और इसे करना है कंप्लीट जनाब। तो पार्टीशन मैंने हर चीज़ की कर ली है, ठीक है। ये है मेरे सारे हिजाब, ठीक है। अभी कुछ हिजाब ऊपर वाली रो में पड़े हैं, उनको लेने हैं। ये है मेरी कुछ रेंडम घर की कमीज़ें, ये है मेरी सारी कमीज़ें जिसको मैं पेयर अप करती हूँ और फिर मैं इसको पहनती हूँ, कहना या तस्वीरें लेते वक्त। ये वो कमीज़ें और कपड़े हैं, ये मेरी वो सूट कमीज़ें हैं जो मैंने देनी है अभी, इसमें और भी इंशाल्लाह एडिशन होगी। ये मेरी अलीना और आयशा की सारी जीन्स हैं, ये हैं सारे सर्दियों के कपड़े जो नीचे जाएंगे, इसको पैक करेंगे। ये कुछ फैंसी सर्दियों के कपड़े हैं जिसको लैदा से हैंग करूँगी स्टैंड पे जाके, और ये मेरे कुछ सूट हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको सारा अच्छी तरह क्लीन अप करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ जी जनाब। तो नीचे वाले दोनों सेक्शंस हो गए हैं हमारे, ठीक है। ऊपर वाले दोनों सेक्शन, ऊपर वाला बी सेक्शन हमारा हो चुका है रेडी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। कोई मेरे पास ना 15 से 20 दुपट्टे थे जिनको मैंने इस तरह सेट किया हुआ था अच्छी तरह, मतलब मैं जब भी जा वगैरह या दुपट्टे रखती हूँ ना इस तरह रखती हूँ। अब मैंने वो सारे 15 से 20 जाप पकड़े हुए थे और मैं ऊपर रख रही थी इस तरह करके, वो एक के साथ सारे नीचे। मोबाइल की बैटरी हो गई है बिल्कुल डेड, तो फ्लैश नहीं अब चल रही, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, एक के साथ सारे नीचे और सारे खुल गया। अब मैंने इनको रख दिया ऐसे और ये भी जाएगा ऐसे बाहर में जाओ तुम। इतनी मेहनत नहीं मैं कर रही अब दोबारा, ठीक है जी। अलमारी हो चुकी है हमारी सेट, ठीक है। इसको करेंगे रैप, ठीक है, किसी कपड़े में या किसी चीज में, चल तोरे में कर दूंगी, तन्नू की तकलीफ होनी। अभी मुझे कह रहे थे वार्डरोब कहती है अलमारी नहीं कहती, इसलिए मैंने बोला रैप करूंगी। खैर इसको अभी किसी कपड़े में या किसी चीज में अच्छी तरह बांध दूंगी और इसकी वो गठरी बना के नीचे भेज दूंगी और इसको मैं कराऊंगी हैंग। अलमारी का काम होगी हमारा सारा डन। अब मैं पढ़ने लगी हूँ।